नमस्कार, मैं शिप्रा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। लखनऊ में प्रियंका गांधी का मेगा रोड शो। राजनीति में फुल टाइम एंट्री के बाद प्रियंका गांधी पहली बार मिशन यूपी पर लखनऊ पहुंची। लखनऊ में उनके मेगा रोड शो में हजारों लोग उमड़े। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और वेस्ट यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। चार दिन के लखनऊ प्रवास के दौरान प्रियंका गांधी 40 घंटे मैराथन माउंटिंग करेंगी और पूर्वी यूपी के 42 लोकसभा क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात करेंगी। एक महीने तक पूर्वी यूपी को मथेंगी प्रियंका। कांग्रेस की नवनिर्वाचित महासचिव प्रियंका गांधी जब दोबारा लौटेंगी तो एक महीने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगी। यह दौरा 18 फरवरी के बाद शुरू होगा। इस दौरान वे हर दिन एक लोकसभा क्षेत्र में रुककर कार्यकर्ताओं से मिलेंगी और सभा करेंगी। रोड शो भी आयोजित किए जा सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 42 सीटें और पश्चिम यूपी में 38 सीटें हैं। गुज्जर बोले, कांग्रेस ने वादा किया था आप दे आरक्षण। राजस्थान में गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल करोड़ी सिंह बैसला ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में गुज्जरों को 5% आरक्षण देने का वादा किया था। अब कांग्रेस सत्ता में आ गई है तो आरक्षण देना चाहिए। समाज आरक्षण की मांग पूरी होने के बाद ही रेलवे ट्रैक से उठेगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है। आंध्र को विशेष दर्जे के लिए दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे सीएम नायडू। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य को विशेष दर्जा दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली में एक दिन की भूख हड़ताल की। उनके साथ पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद रहे। भूख हड़ताल से पहले नायडू ने राजघाट जाकर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। TDP पिछले साल भारतीय जनता पार्टी नीत NDA से बाहर हो गई थी। अफगान वार्ता में पाकिस्तान निभा रहा बड़ी भूमिका। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता में पर्दे के पीछे अहम भूमिका अदा करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान सहयोग ना करने वाले तालिबान नेताओं पर दबाव डाल रहा है। वहीं 17 साल पुरानी लड़ाई के दौरान पाकिस्तान में विद्रोही के छिपने की सुरक्षित जगह और उन्हें मदद में अमेरिकी आरोपों को पाकिस्तान नकारता रहा है। IMF की चेतावनी, आर्थिक बवंडर की कगार पर दुनिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया भर की सरकारों को सचेत करते हुए आर्थिक विकास उम्मीद से कम रहने पर उठने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लगार्ड ने कहा है कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं जो अनुमान से कम रफ्तार से वृद्धि कर रही है। IMF ने पिछले महीने इस साल वैश्विक आर्थिक विकास दर का पूर्वानुमान 3.7% से घटाकर 3.5% कर दिया था। वेनेजुएला में चरम पर महंगाई, 11,000 रुपए किलो टमाटर। वेनेजुएला में जारी आर्थिक संकट के चलते मुद्रास्फीति की दर 13% तक बढ़ चुकी है। यहाँ 1 किलो चिकन 10,227 रुपए, रेस्टोरेंट में सामान्य खाना 34,000 रुपए, दूध 5,000 रुपए लीटर, 11,000 रुपए किलो टमाटर, 17,000 रुपए किलो आलू, 3,000 रुपए में कोका कोला की 1 लीटर की बॉटल मिल रही है। इसके बावजूद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अंतर्राष्ट्रीय मदद लेने से इनकार कर दिया है। नई एंडेवर की बुकिंग शुरू, 22 फरवरी को होगी लॉन्च। फोर्ड इंडिया ने अपनी नई एंडेवर के लिए 1,00,000 रुपए में बुकिंग शुरू कर दी है। भारत में इसे आगामी 22 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने नई एंडेवर का प्रोडक्शन चेन्नई स्थित प्लांट में शुरू कर दिया है। इसमें नया 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जा सकता है। इसकी कीमत 28,00,000 रुपए से 34,00,000 रुपए तक हो सकती है। पहली बार पवेलियन से वापस आकर की बैटिंग। तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स को वेस्टइंडीज के गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। स्टॉक्स पवेलियन पहुंच गए और क्रीज पर उनकी जगह जॉनी बेयरस्टो आ गए, लेकिन तभी अंपायरों को पता चला कि स्टॉक्स जिस गेंद पर आउट हुए वो नो बॉल थी। इसके बाद स्टॉक्स को वापस बुला लिया गया। क्रिकेट में शायद ऐसा पहली बार हुआ जब पवेलियन से किसी खिलाड़ी को वापस बुलाया गया हो। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में छाए रणवीर सिंह। जर्मनी के प्रतिष्ठित बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने रैम से समा बांध दिया। रणवीर ने अपने फिल्म गली बॉय के लोकप्रिय ट्रैक अपना टाइम आएगा पर लाइव परफॉर्म किया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय एक्टर ने जर्मनी के इस फिल्म फेस्टिवल में हजारों लोगों के सामने लाइव परफॉर्म किया। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गली बॉय को लेकर जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज लाइव।